गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रिवाइज द चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल फॉर क्लास नाइन्थ। फर्स्टली हमने इसमें डिस्कस किया था रजे, व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एटम। व्हाट इज मैटर एंड एटम, हमने एक स्टोरी भी देखी थी महर्षि कन्नड़ की, कि कैसे महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले पदार्थ और परमाणु को डिस्कवर कर लिया था बिफोर मैनी ईयर्स एगो। उन्होंने देखा था कि एक चावल के दाने को कैसे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चले गए और लास्ट में वो एक ऐसा पार्ट आ गया जिसको आगे फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था, जिसको उन्होंने नाम दे दिया था परमाणु। उन्हीं नाम से वर्ड आया एटम या एटमिया, यहाँ से वर्ड आया था आपका एटम। यह आपको सारी आई थिंक स्टोरी याद होगी बिकॉज दिस इज योर रिविजन सेशन फॉर योर यूटी पर्पज टूडे। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गिवन बाय लावोशियर एंड एल प्राउस्ट। इन्होंने फिर दो लॉज दिए थे आपको केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ सेड दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्टली यू टेक रिएक्टेंट ए एंड बी, देन प्रोडक्ट सी प्लस डी। लेट सपोज हेयर मास इज टू एंड हेयर मास इज टू फॉर दिस, सो प्रोडक्ट का मास भी क्या होगा रजे, फोर होगा। इस लॉ ने आपको ये बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट लॉ था आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन। जो आपके एलिमेंट्स थे वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में आपको मिलते हैं। जैसे इन वाटर जो रेशो होगा मास एंड हाइड्रोजन का, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो होगा दैट इज 1:8 फॉर H2O मोलिक्यूल, दैट इज 1:8 ऑलवेज। दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। दिस लॉ लैक एक्सप्लेनेशन, हैंस जॉन डॉल्टन गिव हिज थ्योरी अबाउट द मैटर। काफ़ी सारे इनके अंदर ड्रॉबैक्स आए कि कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू टाइम या विद इन द टाइम चीज़ें चेंज होती गई। सो देर वॉज थ्योरी गिवन बाय डाल्टन एटमिक थ्योरी। डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी जिसको आप बोलोगे डाल्टन्स एटमिक थ्योरी। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल एंड टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने क्या कहा, जो भी आपका मैटर है वो वेरी स्मॉल एंड टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। आप उसको क्या नाम दोगे, एटम यानी परमाणु। एटम आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो आपके एटम होंगे आप उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते एंड नॉट डिस्ट्रॉय, वो आप किसी केमिकल रिएक्शन में से उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये सारी जो थ्योरी थी रजे डाल्टन ने दी थी आपको। एंड ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज। जो भी एटम होंगे आपके एक एलिमेंट में उनका साइज क्या होगा, सेम होगा। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियस अगर से आप एक ही एलिमेंट ले रहे हो उसके अंदर सारे एटम सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज। अब जो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, ऑब्वियस अगर आप एलिमेंट डिफरेंट ले रहे हैं तो उसका जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट इन साइज होंगे, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। जैसे हमने पहले देखा जो H2O है उसका रेशो क्या था, 1:8 था। ये क्या है, एक स्मॉल होल नंबर रेशो है टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। एटम कंबाइन होते हैं रेशो में स्मॉल होल नंबर ताकि आपके क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन हो सके, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सके। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो आपको रिलेटिव नंबर दिया जाता है केमिकल कंपाउंड्स का वो क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट होता है आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर। ये थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्टली जो मैटर एंड एटम का था वो महर्षि कन्नड़ ने बताया था आपको। यहाँ से हमें परमाणु और पदार्थ के बारे में पता चला था। देन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गिवन बाय लावोशियर एंड जॉस एल प्राउस्ट। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी जितना मास आपने रिएक्टेंट का लिया है उतना ही मास आपके प्रोडक्ट का होगा। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। इसके अंदर जो भी आप केमिकल इन अ केमिकल रिएक्शन जो एलिमेंट होंगे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, उनका क्या होगा, एक डेफिनेट प्रपोर्शन होगा या फिर होल नंबर रेशियो होगा।
बट दीज लॉ लैक एक्सप्लेनेशन. हेंस जॉन डॉल्टन गेव हिज थ्योरी अबाउट द मैटर. ही सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. देन हमने डॉल्टन एटमिक थ्योरी को देखा. नेक्स्ट है व्हाट इज एटम. एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. आपको पता है एटम क्या है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. साइज आप एटम का कैसे कैलकुलेट करोगे. जो एटमिक रेडियस होती है वो नैनोमीटर्स में मेजर की जाती है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. वन नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10^9 meter. तो 1 meter इज इक्वल टू 10^9 nanometer. तो एटमिक रेडियाई आप हाइड्रोजन के केस में कितने लिख सकते हो. दैट इज या आपको कुछ यूनिट्स हैं जो राजे आपको यूं की एग्जैक्ट याद करनी होगी इनकी वैल्यू. एटमिक रेडियस है जो वो नैनोमीटर्स में मेजर की जाएगी. 1 meter इज इक्वल्स टू 10^9 nanometer. सिंबल्स दिए थे. सम सिंबल्स आर प्रपोज्ड बाय डॉल्टन. हाइड्रोजन को डॉट से रिप्रेजेंट किया था उन्होंने. कार्बन को बिल्कुल ब्लैक से रिप्रेजेंट किया था. ऑक्सीजन को ब्लैंक से रिप्रेजेंट किया था. ऐसे ही सल्फर को एडिशन के सिंबल से आप समझ सकते हैं. फिर कॉपर को सी दिया था. गोल्ड को जी. प्लेटिना को पी. लेड को एल. सिल्वर एस फॉर सिल्वर. आई फॉर आयरन. ऐसे कुछ आपको सिंबल्स दिए थे डॉल्टन ने. लेकिन बाद में कुछ जो हमारे सिंबल्स आए यूनिवर्सल सिंबल आप इनको बोल सकते हो. हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए H, कार्बन के लिए C, कॉपर के लिए Cu, कोबाल्ट के लिए CO, क्लोरीन फॉर Cl, कैडमियम Cd, बोरोन B, बैरियम Ba, ब्रोमीन Br, बिस्मथ Bi, सोडियम Na, पोटेशियम K, आयरन Fe, गोल्ड Au, सिल्वर Ag एंड मर्करी Hg. ये सिंबल दीज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज. सो गाइस सो स्टूडेंट्स इन सिंबल को याद कर लीजिए जो आपको यहाँ दिए गए हैं ये वाले सिंबल. ठीक है. ये यहाँ लेटिन नेम भी है जैसे कोबाल्ट के लिए क्यूप्रम है. सोडियम के लिए नेट्रियम है एंड मैनी मोर. नेक्स्ट है मोलिक्यूल. मोलिक्यूल क्या होता है. व्हाट आर मोलिक्यूल्स. इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोलिक्यूल डेफिनेशन. ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है आपका मोलिक्यूल. मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट द सेम टाइप ऑफ एटम. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके अंदर क्या होता है. सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं. एंड देन थर्ड मोलिक्यूल मे बी मोनोएटमिक, डायएटमिक एंड पॉलीएटमिक. इनके हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे. मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन. ये डेफिनेट प्रपोर्शन में ज्वाइन होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. दीज आर मोलिक्यूल्स. फर्स्टली मोलिक्यूल क्या होते हैं. दीज आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. सेम टाइप ऑफ एटम से मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है. एंड मोलिक्यूल्स में भी मोनोएटमिक, डायएटमिक एंड पॉलीएटमिक. मोलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. नेक्स्ट है ये एटमिसिटी वर्ड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट अ मोलिक्यूल नोन एज इट्स एटमिसिटी. एक मोलिक्यूल को बनाने के लिए आपको कितने एटम चाहिए. जैसे आपका जो हीलियम है यहाँ स्पेसिफिक दिया गया मोनोएटमिक. व्हाट इज मोनोएटमिक. जो एच ई मोलिक्यूल है आपका, एक सेकेंड, जो एच ई मोलिक्यूल है आपका रजे, दिस इज एग्जिस्ट इन एच ई फॉर्म ओनली, नॉट एच ई टू. जो ये एच ई है ये मोनोएटमिक स्टेज में ही एग्जिस्ट करता है. एच ई टू मोलिक्यूल अगर आप इसका बनाओगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता. ये सारी चीज़ें आप आगे आपके फर्दर क्लासेस प्लस वन एंड प्लस टू में देखोगे इनके क्यों एच ई टू मोलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसे ही आर्गन, नियॉन, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे मोनोएटमिक मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन आपका H2 मॉलिक्यूल आसानी से एग्जिस्ट करता है. O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी एग्जिस्ट करता है. Cl2 क्लोरीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट इज फॉर डायएटमिक. यानी ऑक्सीजन जो है आपका, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो
ऐसे एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन, दैट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। आसानी से नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नियोन की या कुछ भी आप बनाना चाहो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता राजी, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, गॉट इट। जो आपका फॉस्फोरस है उसके आगे देखो लिखा है वर्ड, दैट इज पॉलीएटमिक, स्पेसिफिक किया गया आपको, यानी P4, ये P4 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। सल्फर के लिए स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है ऑक्टा, यानी S8 मॉलिक्यूल। आप इसको ऐसे इस फॉर्म में आसानी से बना सकते हो, ये S8 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर के साथ आसानी से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये थी आपकी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का कंसेप्ट नेक्स्ट है आयंस, चार्ज्ड पार्टिकल। दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल आर कॉल्ड आयंस, दे आर फॉर्म बाय अटेनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपको कोई मॉलिक्यूल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ये तो आपका न्यूट्रल फॉर्म में, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ दैट कैरी नेगेटिव चार्ज, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इस टाइम इसके पास, और आप इसको क्या बोलोगे, एनायन। इफ एनी एटम कंसिस्ट चार्ज नेगेटिव दैट कॉल्ड एनायन। सोडियम के केस में ये सोडियम क्या आपका न्यूट्रल स्टेज में है, कोई चार्ज नहीं है इस टाइम इसके ऊपर। अगर इफ आई कैन राइट दिस लाइक एन ए पॉजिटिव, देन दिस स्टेज कॉल्ड केटायनिक स्टेज, यानी केटाइन, ये सोडियम का क्या है, केटाइन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये इस टाइम क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है एक इलेक्ट्रॉन का, गॉट इट। दैट इज एन ए पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड केटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायन। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज वैलेंसी, वैलेंसी दैट्स अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइन करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपको कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करना होगा, दैट कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी इज यूज टू फाइंड हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। वैलेंसी आपको किस चीज में हेल्प करती है कि आपको दूसरे एटम के साथ कंबाइन करना कोई भी एटम, तो केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए आपको कितने एटम्स का लॉस करना होगा और कितने एटम का गेन करना होगा। एवरी एटम वांट टू बिकम स्टेबल, हर कोई एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। हर कोई एटम चाहता है वो न्यूट्रल रहे, ठीक है। जैसे नियॉन के केस में, हीलियम के केस में, ये होती है आपकी नोबल गैसेस, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सो जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो कुछ एटम का लॉस करके या फिर कुछ एटम को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी वो अपने आप को एक स्टेबल कंडीशन के अंदर लेके आना चाहता है, जिसको आप कहेंगे वैलेंसी। इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। फर्स्ट पॉइंट हियर इज इफ एन एटम कंसिस्ट 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स, कोई एटम आपके पास जिसकी लास्ट शेल में क्या है 1, 2 और 3, पहले आपको पता होना चाहिए वैलेंस शेल क्या होती है। ये सारी चीजें हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। जैसे आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है जो इसकी लास्ट सेल होगी, ये इसकी क्या होगी, वैलेंसी हो, वैलेंस सेल होगी। इस मॉलिक्यूल में ये वैलेंस सेल होगी, इसमें ये होगी, ठीक है। किसी के अंदर चार हैं तो जो लास्ट होगी वो उसकी वैलेंस सेल होगी। अगर वैलेंस सेल में 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वैलेंसी होगी दैट इज 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। आप इसको एक को रिमूव कर दीजिए, देन आपका नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन हो जाएगा। 3 के केस में 3 को रिमूव कर दीजिए, 2 के केस में 2 को। इफ एन एटम कंसिस्ट 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी के पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर। ऑक्टेट में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट शेल में आपके पास कितने चाहिए, आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर किसी के पास 5 है तो उसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, 3 मोर। 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, देन इट विल गेन 3, 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स वैलेंसी विल बी 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। इफ एटम हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास कोई वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 4 है, यानी ये हाफ फील्ड है। 8 में कितना होता है, कंप्लीटली फील्ड, 4 है तो ये हाफ फील्ड है।
तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? चार। ये अपने चार लूज करके भी अपने आप को स्टेबल कर सकता है, चार गेन करके भी अपने आप को स्टेबल कर सकता है इफ एन एटम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क, इफ एन एटम हैज एट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड हेट इट्स वैलेंसी विल बी जीरो। अगर किसी के पास एट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? जीरो होगी। ये मत कर देना कि आपके आठ ही निकाल के रख दो वैलेंस सेल वाले, नहीं, क्या होगी इसकी वैलेंसी? जीरो होगी उस कंडीशन में। जैसे आपको यहाँ एक चार्ट दिया है, हाइड्रोजन की वैलेंसी वन, हीलियम की जीरो, लिथियम के केस में वन होगी, बेरिलियम, बोरोन एंड फर्दर, ये आपको जो वैलेंसीज का चार्ट दिया है ये सारी वैलेंसीज आपको आनी चाहिए। अब ये मैंने यहाँ आयंस लिखे हैं, अगर ये आपके पास एच पॉजिटिव स्टेज में है, एल आई पॉजिटिव स्टेज में, बी थ्री टू पॉजिटिव स्टेज में, तो कैसे होगी? जैसे आयरन के केस में एफ ई टू है, अगर आपके पास एफ ई टू पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगी इसकी वैलेंसी? टू होगी। एफ ई थ्री के केस में इसकी वैलेंसी थ्री होगी, कॉपर प्लस के केस में इसकी वैलेंसी वन होगी एंड कॉपर टू के केस में इसकी वैलेंसी टू होगी। यहाँ पे एक बार इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करके देखना। इफ देर इज एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी राइट नाउ, गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल हाउ यू कैन मेक केमिकल फॉर्मूलाज। द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, सबसे पहले आपको वैलेंसी और चार्ज बैलेंस करना होगा। देन नेक्स्ट, मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड शुड शो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल फर्स्ट। अगर आपके पास जो भी मेटल है या नॉन मेटल है उसका सिंबल लिखना होगा आपको, फर्स्ट यू शुड राइट डाउन योर सिंबल। इफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉली एटमिक आयन्स, द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। अगर आपका आयन पॉली एटमिक स्टेज में है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करोगे एंड राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। जैसे एस ओ फोर टू नेगेटिव इन पॉली एटमिक रेडिकल, देन एच पॉजिटिव एस ओ फोर टू नेगेटिव दैट इज एच टू एस ओ फोर। यहाँ कुछ केमिकल फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में कैल्शियम फॉर सी ए ओ एच फॉर हाइड्रोक्साइड ग्रुप, यहाँ इनकी वैलेंसी सी ए की वैलेंसी हियर एंड ओ एच की वैलेंसी हियर, देन क्रिस क्रॉस एंड फॉर्मूलाइज सी ए ओ एच टू सी ए। आपके पास कैल्शियम क्या था? एक था, क्रिस क्रॉस करोगे जिस टाइम ओ एच कितने हो गए इस टाइम? टू, दैट इज सी ए ओ एच टू। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के केस में एल्यूमिनियम वैलेंसी एल्यूमिनियम की थ्री, ऑक्सीजन के केस में वैलेंसी टू, क्रिस क्रॉस कीजिए इनको दैट इज ए एल टू ओ थ्री, ए एल टू एंड ओ थ्री। ये थे आपके केमिकल फॉर्मूलाज। नेक्स्ट, मोलिकुलर मास, हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास, इज द सम ऑफ एटमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। आपके पास जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके मोल उस विद इन योर प्रोडक्ट्स मैनी काइंड्स ऑफ मोलिक्यूल्स या एटम्स आर गिवन टू यू। जैसे एच टू ओ के केस में वन इज ऑक्सीजन एंड टू आर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास वन, ऑक्सीजन के केस में सिक्सटीन, फॉर टू हाइड्रोजन वन इंटू टू प्लस सिक्सटीन दैट इज एटीन यू। ये था आपका मोलिकुलर मास। एंड नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालोगे? एन ए सी एल के केस में यहाँ दिया गया आपको, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस। आपके आपको अगर आयंस दिए गए हैं तो वन एन ए सी एल के केस में दैट इज 23 मास, क्लोरिन के केस में मास 35.5। आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दैट इज कंपल्सरी कि आपको याद हो। एन ए सी एल के केस में आपका मास कितना हो गया? 58.5 U। जिस टाइम आप इसको ऐड करोगे 35.5 एट 23 दैट इज 58.5। नेक्स्ट बट नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोल कंसेप्ट। आपको मोल कंसेप्ट का मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि आप डजन में कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ पीसेस 12, लेकिन आप ये नहीं बता सकते एक स्पून के अंदर की इनसाइड वन स्पून हाउ मैनी मोल्स हाउ मैनी नंबर ऑफ सोल्ट और शुगर आर प्रेजेंट। सो देर इज अ मैजिकल नंबर दैट इज एवोगैड्रो नंबर,
6.022 × 10⁻³. दिस इज मस्ट कि आपको ये याद हो, दिस वन. ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए एक बार मोल की. इट इज अ डिफाइन एज वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज, वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज एटम मोलिक्यूल आयन और पार्टिकल्स. इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटोमिक मोलिकुलर मास. जो वो मास होगा किस चीज के इक्वल होगा, उनके मोलिकुलर मास इन ग्राम्स में इक्वल होगा. वो मोलर मास, मास ऑफ वन मोल इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन ग्राम. आप मास को कैसे एक्सप्रेस करोगे ग्राम्स की फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटोमिक मास. फॉर वन यू ऑफ हाइड्रोजन हैज, वन यू ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब होगा राजे, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन यानी वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज वन मोल ऑफ हाइड्रोजन. जो आप किसको किस से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको 6.022 × 10⁻³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ये था आपका एवोगैड्रो नंबर. आज जस्ट ये कि इसका रिवीजन सेशन था आपके चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल का फॉर योर यूटी पर्पस. फर्स्टली हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया, देन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. एटम, एटम को आप एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, सिंबल दिए थे डाल्टन ने. देन कुछ इनके कॉमन सिंबल्स हैं जो यूनिवर्सल सिंबल्स बोल सकते हैं आप इनको, H फॉर हाइड्रोजन, Cu फॉर कॉपर, Fe फॉर आयरन. मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मे बी मोनाटमिक, डायटमिक, पोलियाटमिक. इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो हीलियम है वो एग्जिस्ट नहीं करता डायटमिक स्टेज में, इसलिए वो क्या एक मोनोएटमिक मॉलिक्यूल है. आपका हाइड्रोजन डायटमिक स्टेज में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट वाई वी कॉल देम डायटमिक मोलिक्यूल हाइड्रोजन को. आयन्स होते हैं जो आपके चार्ज पार्टिकल्स को आप आयन्स बोल लोगे. नेगेटिवली चार्ज आयन एन आयन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन्स इज कॉल्ड कैटायन. वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की. देन हमने केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे फॉर्म करते हैं वो सीखा. मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे, इंडिविजुअल जो एटम है उसका मास, उसके मास को आप क्या कर दोगे, एड ऑन कर दोगे, देन मोलिकुलर मास होगा आपके पास. फॉर्मूला यूनिट मास भी आप चार्ज की फॉर्म में निकाल सकते हो. देन मोल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया. मोल कंसेप्ट में मैजिकल नंबर दैट इज एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻³ इन नंबर्स. सो गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल बेस्ट फॉर योर यूटी.